हाय दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। लास्ट वीडियोज में हमने कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल के बारे में सीखा था कि एमएस वर्ड के अंदर आप किस तरीके से कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल करते हैं। आज हम पैराग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे और पैराग्राफ्स पे होने वाली चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ मतलब कि अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, सेलेक्ट करने के बाद अब इसमें तीन चीज़ें हैं, अलाइनमेंट के तीन चीज़ें हैं कि हम लाइन लेफ्ट कर सकते हैं, लाइन सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या फिर यहाँ आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है कि देखिए, अलाइन अगर मैं लेफ्ट करता था क्या होता है कि ये यहाँ पे इस तरह से छोटे बड़े जगह बच जाते थे कि यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर जस्टिफाई करता हूँ तो इस तरह से सेट कर देता है ताकि पूरा का पूरा इस तरह से मैच हो जाए आपका, मतलब यहाँ एक सिक्वेंस भी आपका बराबर आता रहेगा। तो जब लेटर वगैरह यहाँ पे कोई चीज़ हम लिखते हैं तो ऐसा करने से हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। दूसरा, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपके पास आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मतलब एक लाइन कभी कभी कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन में स्पेस ज़्यादा होता है, तो वो यहाँ से होता है। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ आपको यहाँ पे, यहाँ से जैसे ये भी देखिए लाइन है, यहाँ पे धीरे धीरे लाइन बढ़ रहा है ना, ये आपका जरा इसका स्पेस का। तो कभी कभी कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एंटर मारते हैं आप यहीं पे आते हैं लेकिन इसके बीच में ब्लैंक जगह नहीं है। अब यहाँ पे ये लाइन का स्पेसिंग जो है इतना छोड़ रखा है, स्पेस आप डालना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं तो अब यहाँ से हटा कम कर दीजिए, यहाँ से कम हो जाएगा, या फिर रिमूव आफ्टर पैराग्राफ या बिफोर पैराग्राफ, यहाँ से आप स्पेस रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये पैराग्राफ के लिए होता है, नहीं अगर इससे नहीं हुआ तो आप इसकी लाइन से साइज को कम कर दो। लाइन लाइन स्पेशल ऑप्शंस पे चले जाइए, यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं, इसमें चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक मैंने एक लाइन से दूसरी लाइन में कितना होना चाहिए और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए वो आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ लिखते हैं, द एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग। मैं यहाँ पे टाइप किया, टाइप करने के बाद इस पे यहाँ पे देखिए, ये आपका बोलते हैं इंडेन। आप अपने लाइन को या पैराग्राफ को कितना आगे पीछे घसकाना चाहते हैं उसके लिए, कभी कभी सेट करने के लिए लेटर वेटर लिखते हैं तो लेटर वेटर सेट करने के हमें इसका यूज करना होता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे A to Z में पैराग्राफ टेक्स्ट शॉर्टेड कर सकते हैं, अगर शॉर्टिंग करना हो तो इसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से पैराग्राफ वाइज भी क्या पैराग्राफ वाइज शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर हम हेडिंग वाइज या फील्ड 1 फील्ड 2 वाइज शॉर्ट कर लीजिए इसको, तो शॉर्ट आपका डेटा हो जाता है। लेकिन ये चीज़ कहाँ यूज होता है, ये इस तरह से टेक्स्ट पे यूज नहीं होगा। आगे चल के मैं जब आपको टेबल्स वगैरह बताऊंगा इसका यूज आप टेबल्स वगैरह पे कर सकते हैं, टेबल्स में आप इसका अच्छी खासी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है पैराग्राफ मार्क। इससे क्या होता है कि जहाँ जहाँ पैराग्राफ चेंज होगा वहाँ वहाँ आपको इस तरह से दिखेगा। तो ये चीज़ें आपका प्रिंट में नहीं आता, जैसे आपको बताता है कि कहाँ पे आपने एंटर मारा है, एंटर जहाँ जहाँ मारोगे वहाँ वहाँ यूज होता है। इसका बॉर्डर वगैरह, तो बॉर्डर वगैरह यूज कर सकते हैं कि बॉर्डर वगैरह जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखाऊँ, मैं एक छोटा से करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल एन करके नई फाइल लिख लेता हूँ, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ पैराग्राफ मार्क को। मैं कहता हूँ नेम, टैब माना, रोल मार्क्स, मैं एंटर मारता हूँ, नाम देता हूँ सुजीत, रोल 11, मार्क्स 55, यहाँ पे मनी, यहाँ पे 55। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अब इस पे हम लाइन अप्लाई करते हैं। इस तरह से देखा आपने, लाइन अप्लाई हो गया। इस तरह से लाइन पैराग्राफ वाइज अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि ये इसका नहीं हुआ तो उसके लिए आपको जो है ना लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, वो टेबल्स लेने पड़ेंगे फिर आपको। लेकिन पैराग्राफ वाइज लाइन आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो पैराग्राफ में आप इसकी कलर भी चेंज कर सकते हो चाहो तो, जो आपने ये जो किया है उसके हिसाब से पूरा का पूरा कलर चेंज होगा। अगर आप ये कलर चेंज कर देते तो क्या होता था, एक टेक्स्ट का कलर चेंज होता था या टेक्स्ट के बैकग्राउंड का, लेकिन ये पूरा का पूरा पैराग्राफ का कलर चेंज होता है।
जैसे मान लो हेडिंग का चेंज कलर चेंज करना है, तो मैं हेडिंग सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने कलर अप्लाई किया, पूरा का पूरा पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया। इसे पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। तो पैराग्राफ में बात आती है नंबरिंग की। जैसे कि अगर हम कोई सीक्वेंस नंबर देते हैं, अगर हम नया स्टार्ट कर कोई देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देते हैं लेवल वन, लेवल टू एंड लेवल थ्री। अभी इन तीनों में अगर आप लगाना चाहते हो, बुलेटिंग लगाना चाहते हो, नंबर एंड बुलेटिंग करना चाहते हो, इसका यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ बुलेट्स के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे विस्तार से। अभी हमने पैराग्राफ के बारे में पढ़ा और पैराग्राफ के बारे में जाना किस तरीके से हम पैराग्राफ यूज करते हैं, पैराग्राफ को कलर करते हैं और पैराग्राफ के होने वाले जस्टिफाई और अलाइनमेंट के बारे में हमने जाना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हम लोग एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना लेना चाहते हैं तो मुझे कॉल कीजिए 8802579388 पे, या फिर कोर्स डिटेल देखना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.iptindia.com पे जाके देखिए। हमारी क्लासेस ऑनलाइन एंड क्लासरूम दोनों होती हैं।